दतिया में मेडिकल कॉलेज तो बन गया, लेकिन जिला अस्पताल की हालात अभी भी नहीं बदले। जिला अस्पताल में वर्तमान में 1 सैकड़ा से ज्यादा डॉक्टर है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या बढ़ने के साथ लोगों को उम्मीद थी कि विवाद कम होंगे, लेकिन हो रहा है उल्टा। यहाँ आए दिन विवाद और नए विवाद शुरू हो जाते हैं। कभी मरीजों को ठीक से इलाज नहीं मिलने पर विवाद होता है, तो कभी डॉक्टरों और स्टाफ के बीच आपस में ठन जाती है। इन विवादों में एक दो बार तो डॉक्टरों के साथ हाथापाई भी होते देखी गई। पिछले दिनों एक नर्स ने तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर डी के गुप्ता को थप्पड़ मारा था। वहीं 4 दिन पहले एक नर्स जरीना के परिजनों ने अधीक्षक डॉक्टर अर्जुन सिंह की धुनाई कर दी थी। इससे पहले भी 2 अन्य नर्सों के विवाद भी CMHO तक पहुंच चुके हैं। यहां इलाज कम और विवाद ज़्यादा सुनने में आते हैं, और अस्पताल में हो रहे विवादों का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। जब CMHO से इस बारे में सवाल किया तो उनका जवाब था कि विवाद की कोई खास वजह नहीं होती, फिर भी संयुक्त संचालक जांच कर रहे हैं, जो भी कारण सामने आएंगे देखे जाएंगे। स्टाफ नर्स जरीना खान, उसका भी एब्सेंट था कल, वो बिना बताए गई थी, किसी को परमिशन नहीं ली। आज भी 11 बजे के बाद आई, तो 11 बजे पहले उन्होंने जाँच किया तो सबसे मार कर दिया। उसी को लेकर वो आई मैडम, तो उनके साथ जो है बोली मेरा एब्सेंट क्यों लगा, तो उन्होंने बिना बताए गई आप परमिशन लो, पुलिस प्रेजेंट करो, तो उन्होंने प्रेजेंट ऐसे नहीं करेंगे, आप दरखास्त दो स्वीकृत करो आपका। इसी पे उनसे कुछ विवाद हुआ, उसके बाद जो उन्होंने अपने परिजनों को फ़ोन कर दिया, वो लोग आए वहाँ से फ़ोन से बुला लिया और डॉक्टर अर्जुन साथ मारपीट किया। इसके बाद डॉक्टर अर्जुन सिंह थाने गए और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। आगे की जाँच में है, फिर अब आगे क्या कार्रवाई होगी वो जाँच भी पता चलेगा। इसमें जाँच हमारे जो है क्षेत्रीय संचालक के स्तर से जांच होगी, उनको मैंने खबर कर दिया है, जो बायका हुआ उसकी खबर।